ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ श्रीमती शर्मा। विजयादशमी का त्यौहार हम बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। ये दिन बड़ा विशेष होता है कई उपायों को लेकर भी। तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ विजयादशमी के दिन किए जाने वाले शमी के कुछ विशेष उपाय, जो आपके जीवन की किसी भी तरह की परेशानी हो, शत्रु की परेशानी हो, नकारात्मक ऊर्जा से आप अपने घर में परेशान हैं, आपके घर में धन संबंधी समस्याएं हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इस तरह की किसी भी परेशानी से शमी के इन उपायों को अगर आप विजयादशमी के दिन करते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, अंत तक देखें, जरूर देखें, आगे शेयर भी जरूर करें। सबसे पहला उपाय मैं आपको अब बताती हूं विजयादशमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। विजयादशमी के दिन आपको शमी के वृक्ष की जो कांटे होते हैं, अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है अपने घर में, तो ये उपाय बड़ा सटीक है, इसलिए मैं आपको सर्वप्रथम बता रही हूं शमी के कांटों से आपको आहुति देनी चाहिए विजयादशमी के दिन। 108 बार आप आहुति जरूर दें। तो आप विजयादशमी के दिन शमी के कांटों से हवन करें। ऐसा करने से घर में जिस भी तरह की, अगर किसी तरह की बाधा है, भूत प्रेत बाधा है, नजर दोष बाधा है, वो तमाम बाधाएं, जो तमाम नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आपको परेशान कर रही है, वो समाप्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। बहुत ही सिद्ध उपाय है ये, जरूर करें अगर इस तरह की परेशानी आपके जीवन में है तो। दोस्तों, अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की समस्या है आपके पास, आपके घर परिवार में आप खुद परेशान हैं बीमारियों से, तो ऐसे में भी विजयादशमी का ये उपाय आप कर सकते हैं। एक काले रंग के छोटे से कपड़े में आप शमी वृक्ष का जड़ थोड़ा लेकर लपेट कर उसे एक ताबीज की तरह बनाकर पहन लें। अगर आप महिला हैं तो आप बाएं हाथ में पहने, पुरुष है तो दाहिनी हाथ में। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां जीवन में आती है वो खत्म हो जाती है, तो इस उपाय को भी आप जरूर आजमाएं। दोस्तों, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किसी काम में आप जाते हैं, सफलता हाथ नहीं लगती, खासतौर पर अगर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा आप कीजिए। पूजा आराधना के बाद उसकी कुछ पत्तियों को तोड़कर आप अपने पास रखें। ऐसा करने से माना जाता है जिस काम में आप उन पत्तियों को लेकर जाएंगे, वो काम आपका सिद्ध हो जाएगा। बहुत ही ये भी सधा हुआ अचूक उपाय है, आप जरूर आजमाएं। दोस्तों, अगर धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, इसके लिए भी आप विजयादशमी के दिन शमी का ये उपाय कर सकते हैं। उस दिन विधिवत शमी वृक्ष की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद कुछ पत्तियों को तोड़कर आप घर में जहां धन रखते हैं, अलमीरा हो, पेटी हो, कैश बॉक्स हो, जहां भी आप धन रखते हैं, आप व्यवसायी हैं तो आप व्यवसाय के स्थल पर गल्ले पर आप उन पत्तियों को रख दें। ऐसा करने से उस जगह पर रखा हुआ धन हमेशा पर्याप्त रहता है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, और धन के जो बार बार खर्च होने की समस्या है, उस पर भी आप खुद से कंट्रोल लगा पाते हैं। विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा आराधना के बाद आपको चींटियों को बूरा या कुछ ऐसा मीठा शक्कर आप उन्हें जरूर खिलाएं। इससे भी जीवन में आ रही जो भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, मन बहुत नेगेटिव रहता है, नकारात्मक विचार आते रहते हैं, तो ऐसे में विजयादशमी के दिन, इस विजयादशमी के दिन आप एक शमी वृक्ष ज़रूर खुद से अपने घर में लाकर उसको लगाएं गमले में, और हर दिन पूजा आराधना करें, उस वृक्ष को जल से सिंचित करें। ऐसा करने से आप देखेंगे जो नकारात्मकता आपके मन में है भरी हुई, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अगर आपके परिवार में भी कोई बच्चा हो, कोई बड़े भी हो, इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनको भी आप ऐसा जरूर करवाएं, इससे बहुत ज़्यादा फायदा उन्हें भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा ठीक नहीं है, तो ऐसे में भी आप विजयादशमी के दिन, दशहरे वाले दिन, इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें करना क्या है आपको, शनि वृक्ष के नीचे शाम को आपको एक तेल का दीपक लगाना है। ऐसा करने से माना जाता है कि कुंडली में अगर शनि ग्रह की दशा ठीक नहीं है, वो अच्छी होने लगती है, और जो बुरे प्रभाव हो रहे हैं आपके जीवन में, वो खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको आखिर में, कि दशहरे के दिन, किसी भी दिन मान लें आप,
कि शमी के वृक्ष को कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। खास तौर पर शुभ मौकों पर, शुभ दिनों में कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में शमी वृक्ष को उखाड़ देते हैं, काट देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शमी वृक्ष के साथ खास नियम है कि जब आप उसकी पत्तियों को भी तोड़ रहे हो तो आप नुकसान ना पहुंचाएं। आप फूल ले रहे हो वृक्ष से, पत्तियां ले रहे हो पूजा के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप डंठल तोड़ दें और किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाएं पेड़ को, ऐसा बिल्कुल ना करें। विजयादशमी के दिन तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से माना जाता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगती है। आप सोच भी नहीं पाते कि ये परेशानियां क्यों आ रही हैं, पीछे वजह ये हो सकती है, तो ऐसा करने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, ये ऐसी जानकारियां हैं, बहुत सारी चीजें आपको शायद पता भी हो लेकिन हम नहीं कर पाते, लेकिन इस विजयादशमी, इस दशहरे आप इन उपायों को जरूर करें अगर आपके जीवन में भी इस तरह की कोई समस्या हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ये जानकारियां आप अपने तक ना रखें, आगे दोस्तों परिवार तक जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। जय माता रानी दोस्तों।